साबका सिक्ख्या सकत्र कृष्ण कुमार का नाम जड़ा है बहुत ज़्यादा सुर्खियां च रहा सी, क्योंकि जेडे अध्यापक है कई जेडे नौकरी लेना चाहते अध्यापक दी वो भी जेडे है लगातार कृष्ण कुमार के खिलाफ जेडे है वो सन। तो हुण जेडी है ये खबर है एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर के उपर शिकायत आई है कृष्ण कुमार के खिलाफ, सिक्ख्या विभाग के साबका सकत्र कृष्ण कुमार के खिलाफ ये शिकायत आई है। ये भी एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पर आई है। रिश्वत मंगण के इल्जाम लगे ने घोटाले के ते बेनेमियां दे इल्जाम लगाते हुए जांच मंगी गई है। गुरदासपुर विच तैनात सिक्ख्या विभाग के एक अधिकारी ने यह शिकायत की है कि मेरी पहला बदली कर दी गई तो फिर मेरे को 5 लाख रुपए की रिश्वत मंगी गई। तो यह जी शिकायत आई है ये भी उस व्हाट्सएप नंबर के उपर आई है, बकायदा जी है एप्लीकेशन लिख के एक शख्स ने पाई है जो कि आप सरकारी अधिकारी है। तो उसने कहा कि जो साबका सकत्र कृष्ण कुमार ने उन्होंने खिलाफ़ जांच होनी चाहिए है, उन्होंने उत्ते इल्जाम लगाए ने रिश्वत मंगण दे घोटाला करन दे ते बेनेमिया करन दे भी इल्जाम लगाए गए ने। तो ये भी अज जिहड़ा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी होया उसे दे उपर ही ये शिकायत आई है साबका सिक्ख्या सकत्र कृष्ण कुमार के खिलाफ। बी एड जिहड़े टेट पास अध्यापक वो भी लगातार इल्जाम लगाते रहे ने, कई बार सुर्खियां च रहे ने साबका सिक्ख्या सकत्र कृष्ण कुमार, क्योंकि कई अध्यापक जिहड़े कई वक् वक् वर्गों के अध्यापक जिहड़े कच्चे ने जां फिर जिन्हां नूं नौकरी नहीं मिल रही आपो अपनियां जिहड़ियां तंग परेशानियां नूं लै के जिहड़ा है लगातार उह सिक्ख्या विभाग के धरने दिंदे सन ते उह कृष्ण कुमार के खिलाफ भी जिहड़ा कई बार शिकायतां करदे सन। ते हुण इक बकायदा मुख्यमंत्री नूं शिकायत भेजी गई है भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए कृष्ण कुमार के उपर।